मामू से बर्थडे पार्टी ले ले। पिदोरी के शिंग पिंगू रेडी हो गया मेरे गुड्डा। नैना ने कितनी चीजें पकड़ रखी हैं? जैकेट भी पकड़ी भाई की। मैं तो जा रहा हूँ। गुड्डा प्यारी लग रही माशाल्लाह। चलो उतरो, मैं आ रही हूँ। नन्ही बच्ची है, इसके भी मैंने सूज पहनाए। सूज पहनाया आपने बाजी को? आपने खुद से नहीं पहने? हम वो पहने नहीं जा रहे थे, बहुत वो हो रहा था तो इसलिए पहना। चल बोल। मैंने क्रीम नहीं लगाई। इशू हम जा रहे हैं, अभी आएंगे थोड़ी देर में, ठीक है? इधर कुंडी लगा दी है, ठीक है, ध्यान रखना। चलो बाय। अलीना कहाँ है? बाय बाय। और हम लोग फिर बैठ गए थे गाड़ी में, और हमेशा की तरह बंकू मेरे पास आके बैठ गया था मेरी गोद में, और आलिया बैठी थी पीछे। और जब मैंने उसके साइड कैमरा करा तो वो पीछे छुपने लगी थी, कहती मुझे मत दिखाओ। और फिर उसके पापा डाल रहे थे कबूतरों को दाना। बंकू भी जिद कर रहा था नीचे उतरने के, बट हमने उसको उतरने नहीं दिया था, हम गाड़ी में बैठे रहे थे। और फिर हम लोग चल दिए, हमारी गाड़ी स्टार्ट हो गई। अब बस जल्दी से चलते हैं, पहुंचेंगे अम्मी के घर। बंकू को बैठे बैठे गाड़ी में नींद भी आने लगी थी, वो बैठ के मेरी गोद में ही सो गया था। और ये रास्ते में कुछ सफाई अभियान के बारे में मैसेजेस भी दे रहे थे। मीना अर्शद ने हमें देख लिया और भाग गया वो। ये नानी के घर के लिए सामान पड़ा है, फिर नानी का घर बन रहा है ना ऊपर। ये सारी चीजें रखी हुई है ना, लकड़ी अकड़ी सब। चलो मैं चलूं? क्यों तुम्हें क्यों शर्म? इसको क्यों शर्म आ रही भी ना? चल हाँ, छत पे रूम बन रहा है। चलो क्यों तुम पीछे जा रहे? इस लड़की को शर्म आ रही है। चलो भाई, पापा ने रास्ता भूल गए। अच्छा, एलिवेटेड पे नीचे चढ़े, फिर इंद्रापुरम से घूम के अंदर घुस के इधर से वसुंधरा से होते हुए तब आया। सब भूल ही जाते हैं। वालेकुम अस्सलाम। वालेकुम अस्सलाम। ये क्या हो रहा भाई? क्या बेड पर से उतार दिया नीचे? हाँ भाई, इसको देखो भैया, बेड पर से उतार दिया सलमान को और यहाँ नीचे लेटा दिया। अजमान कहाँ थे तुम? उधर गए थे। अच्छा, स्कूल की छुट्टियां हो गई? आओ खाना खा लो भाई। खाना देखो, अम्मी ने बना के रखा हुआ था तैयार, पुलाव और चटनी। चलो बेटा खाना खाओ सब। अभी आया? आप कब आई? अपनी नानी के घर से आ गई अभी, दो मिनट पहले ही आई है, बता रहा है मेरा भाई। बिनो है, आप मिस कर रही थी ना भाई को, याद कर रही थी? क्या बोल रही थी? बताओ किससे कह रही थी? और आती भैया और समायरा आपकी इनके घर पे, नानी के घर पे है। हम मुझसे मिलने के लिए बोल रहे हैं मम्मा को। क्या कह रहे थे? क्या कह रहे थे मम्मा को? मम्मा और नाना और दादी और समायरा आती। ये अपने आतिफ भैया से और समायरा अप्पी से बोल रही थी कि मुझे भैया के पास जाना है। और फिर शाम हो गई थी और आसिफ भी आ गया था, और हम लोग शाम को बैठ के कॉफी पी रहे थे, और साथ में मूंगफली भी रखी हुई थी। मेरा बंकू आसिफ के साथ लूडो खेल रहा था उसके फोन में। वो उसका फोन ले लेता है जब भी उसको आता है वो ऑफिस से, तो सबसे पहले उसका फोन लेता है जब भी घर पर होता है अम्मी के। नन्ना से शूज नहीं पहने जा रहे, वहां से पता है भाई से पहन कर आई थी मेरे बच्चे से, और यहाँ से तुमसे पहन रही है। हाँ, अजमत भी पहना रहे हो? अजमत आप भी पहना रहे हो? अजमत अपने पहन रहे हैं। अच्छा, अलिया अपनी दादी को सलाम बोल दो ना, दादू को। दादू को सबको बोलना। ले।
अल्लाह हाफिज़।